एक ही बार में दांत के दर्द को मिटा देगा ये अद्भुत उपाय। हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको दांत में तेज दर्द की प्रॉब्लम रहती है या फिर दांत में कीड़ा लग चुका है, तो आज हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बता रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने दांतों को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और दांत में लगे कीड़े की समस्या को भी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और इस उपाय को तैयार करने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैंने यूज करना है, ये है कॉल फैनी लौंग। इसके अंदर एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। और दोस्तों, अगर आप दांत दर्द के लिए इस लौंग को इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांत का तेज दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही साथ ये दांत के कीड़े पर भी काम करता है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर जो दूसरा इंग्रेडिएंट ले रही हूँ ये है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। और जैतून का तेल आपके दांतों को अच्छे से मॉइस्चर करता है, साथ ही साथ मुंह की सड़न, मुंह की बदबू और मुंह के बैक्टीरिया को बाहर करने में मदद करता है। जो थर्ड इंग्रेडिएंट पे ले रही हूँ ये है वैसलीन पेट्रोलियम जेली। दोस्तों, अगर आपके दांत पूरी तरह से मॉइस्चराइज होंगे तो आपके दांतों पर गंदगी और बैक्टीरिया बहुत कम लगता है। मैं यहाँ पर इस तरीके से इस नुस्खे को बना रही हूँ। ये सबसे पहले हमने लौंग लेना है, 3 से 4 लौंग को आप चाहें तो तवे पर थोड़ा सा काला करके भी इसको पाउडर बना सकते हैं, और इस क्रशर के अंदर डालकर आप इसको बारीक पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। जब ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में बन जाएगा तो हम इसको 1 चम्मच जैतून के तेल के अंदर मिला देंगे। और दोस्तों, 1 चम्मच जैतून के अंदर तेल के अंदर आप इसको मिला दीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली भी आप यूज़ कीजिए। जब आप इसको अपने दांतों पर अप्लाई करेंगे तो आपके दांतों मसूड़ों से जो कभी कभी खून निकलने की समस्या शुरू हो जाती है वो नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें वैसलीन इसीलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आपके दांतों को मॉइस्चर मिले और दांतों में खून आने की समस्या भी ना हो। आपको इसे अपने दांतों पर अप्लाई करना है ब्रश की हेल्प से। आपको इसे अपने दांतों पर ब्रश की तरह यूज़ करना है। इस मिक्सचर को एक ब्रश पर लीजिए और जहां पर दांत में कीड़ा लगा है या फिर तेज़ दर्द होता है दांतों में, अच्छी तरह से आपको इसे ब्रश करना है। और दोस्तों, 1 से 2 मिनट के लिए अपने दांतों में इसको ब्रश कीजिए, और जहां पर आपके दांत में कीड़ा लगा है वहां पर आप इसको थोड़े टाइम के लिए रख कर मुंह को बंद कर लें, जिससे कि इसे आपके मुंह में लार आएगी और उस लार को आपने तुरंत नहीं निकालना। लगभग 1 से 2 मिनट के लिए उस लार को मुंह में रखिए और उसके बाद आप गुनगुने पानी के साथ खुला कर लेंगे। दोस्तों, ये जो नुस्खा है ये आपके दांत के दर्द, दांत के कीड़े और सड़न और बदबू को बाहर निकालने के लिए बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए घर पर आप इस नुस्खे का सेवन जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें, और आने वाली ऐसी फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।